नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज आपकी आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पीएम मोदी ही रुकवा सकते हैं युद्ध। प्रधानमंत्री की लीडरशिप के मुरीद हुए जेलेंस्की, बताया क्यों है यूक्रेन को भारत पर भरोसा। रूस यूक्रेन युद्ध के 2.5 साल से ज्यादा वक्त हो चुके हैं। इस युद्ध में हजारों लोगों ने जान गंवा दी है। युद्ध थमने के कुछ आसार नहीं दिख रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दोनों देशों से शांति की अपील कर रहे हैं। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ की है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति का मानना है कि पीएम मोदी रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि पीएम मोदी युद्ध रुकवा सकते हैं। इस साल पीएम मोदी ने किया था रूस यूक्रेन का दौरा। सूत्रों के मुताबिक एक इंटरव्यू में उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी के प्रयास से वास्तव में युद्ध पर लगाम लग सकता है। इस युद्ध को खत्म कराने की कोशिश में पीएम मोदी की बड़ी अहमियत है। बता दें कि प्रधानमंत्री दुनिया के एकमात्र ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने युद्ध के बीच रूस और यूक्रेन का दौरा किया था। सर्दी ने बढ़ाई राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की टेंशन। बता दें कि कुछ दिनों में यूक्रेन और रूस में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। सर्दी में युद्ध लड़ना दोनों देशों के सैनिकों के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस बात को लेकर राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यह यूक्रेन और यूक्रेनी लोगों के लिए तीसरी कठिन सर्दी है। हम कदम दर कदम अपनी ऊर्जा प्रणालियों को मजबूत कर रहे हैं। हम रूस की सेना को मुंहतोड़ जवाब देंगे। युद्ध को लेकर पीएम मोदी ने की फिर पुतिन से बात। हाल ही में ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने रूस का दौरा किया था। भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी ने एक बार फिर राष्ट्रपति पुतिन के सामने रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत हमेशा शांति की वकालत करता आया और शांति से ही युद्ध का हल निकल सकता है। हालांकि पीएम मोदी ने इस बयान पर ज़ेलेंस्की ने कड़ी टिप्पणी की। ज़ेलेंस्की ने कहा कि भारत का यह कहना कि हम शांति लाने के लिए काम करने के लिए तैयार हैं, यह पर्याप्त नहीं है। भारत का एक्शन भी देखना चाहिए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशनल न्यूज़ आपकी आवाज़।